हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो यार अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया है फैल्कन एंड विंटर सोल्जर का एपिसोड 2। अब मैं इस तरह का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फिलहाल मुझे अभी टाइम नहीं हो, मैं घर से थोड़ा दूर निकला हूँ। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि एपिसोड 2 मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो हिंदी में भी अवेलेबल है। ओवरऑल लेंथ 47 मिनट की थी और एपिसोड 2 की शुरुआत एग्जैक्ट एपिसोड 1 के बाद होती है, जहाँ पर जैसे कि आपको पता चल गया था कि हमें एक नया कैप्टन अमेरिका मिल चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि जॉन वॉकर है। एपिसोड 2 में जिस तरह से जॉन वॉकर ने परफॉर्मेंस किया एज ए कैप्टन अमेरिका तो ठीक ठाक है, लेकिन वो स्टीव रॉजर्स की टक्कर का नहीं है। उसके अलावा सैम और बकी ये दोनों टीम अप हो चुके हैं उस रिबेल ग्रुप से भिड़ने के लिए, और उस रिबेल ग्रुप को कोई एक बोलते ना हल्के में मत लेना, क्योंकि उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सुपर सोल्जर्स हैं। और अभी जो एक एक्शन सीक्वेंस हुआ है एपिसोड 2 में तो वो लोग पूरी तरह से भारी पड़ चुके हैं सैम और बक्की पे। अब देखना कि आने वाले एपिसोड में हमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। फिलहाल तो यार ये वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और कहानी बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। और इसके अलावा एपिसोड 2 में एक और चीज़ रिवील हुई है, वो है एक ब्लैक सुपर सोल्जर, जो कि मुझे आज तक इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं थी, लेकिन अब फाइनली पता चला तो काफ़ी चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। देखना है कि ये ब्लैक सुपर सोल्जर आगे कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है और वो क्या कुछ चीज़ें नहीं करते जो इंटरेस्टिंग होगी। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ यूनिक ट्राई करने की कोशिश की, कुछ अलग तरह से रिव्यू करने की ट्राई किया हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस तरीके के वीडियोस मैं और भी बनाऊंगा, थोड़ा व्लॉग वाले स्टाइल में। यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।